गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री चैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आ गई हूँ। और टॉपिक आपने देखा है कि आपके पर्सन आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा की बात होगी। आपका नर्चरिंग नेचर भी उन्हें पसंद होगा, केयरिंग पर्सनालिटी उनके पसंद होगा, लेकिन आप में सबसे ज़्यादा उन्हें क्या पसंद है इसकी रीडिंग होगी। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखें, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी ये मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन उनमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, स्पिरिट सबसे ज़्यादा क्या पसंद। टेन ऑफ वैंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो आप में उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो कैंसर है एंड स्कॉर्पियो है, यानी कि जब कैंसर स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे यहाँ सारे स्टार साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, एंड एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में कैंसर एंड स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप में वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, ये उन्हें बहुत पसंद आती है कि आप जो हैं बहुत सारे, अगर आपको घर परिवार संभालने को कहा जाए या फिर आप घर की जिम्मेदारी को आप अच्छे से संभाल सकते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आप अपने हर एक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर एक जीवन में जो भी कुछ करते हैं आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, इसके लिए वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है। यानी आप अगर वर्किंग है तो आप अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकते हैं और अपने लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसे निभाना और उसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना आप कभी नहीं भूलते हैं। आप फ्रीडम लवर हैं, ये उन्हें बहुत पसंद आती है, क्योंकि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, एंड कुछ भी कर गुजरने की आप में क्षमता है, आप में टैलेंट है, आप में क्वालिटी है, और उन क्वालिटी को आप इन्हेंस करना जानते हैं, इम्प्रेस करना जानते हैं। तो ये क्वालिटी उन्हें बहुत पसंद आती है कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, इमोशनली भी स्टेबल हैं, एंड मेंटली भी स्टेबल हैं। तो लाइफ में स्टेबिलिटी आप बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, तो ये चीज़ें जो है, और फ्रीडम लवर भी हैं, एंड आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ में आप अपना खुद का एफर्ट्स लगाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। चाहे आप अपने पर्सनल वर्क के लिए हो या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए हो, आप कोशिश करते हैं कि आप अपना खुद का काम खुद कर ले या खुद की ज़रूरतों को खुद पूरा कर ले। तो ये क्वालिटी उन्हें बहुत पसंद आती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानते हो, और ख़ास तौर से अपनी स्टेबिलिटी भी जानते हो। आप खुद से प्यार करते हो, ये उन्हें बहुत पसंद आता है। आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस शायद करते होंगे और खुद की अहमियत जानते हैं, खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट रखते हैं, एंड अपने आप को वैल्यू देते हैं, अपनी वर्थ को समझते हैं, अपनी वर्थ को समझते हैं। ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है, क्योंकि आप अपने वर्थ को समझते हैं और ये जानते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप इस दुनिया की हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो, आप यूनिक हो, आप लवेबल हो, आप खुद से
प्यार करना जानते हो, खुद में खुश रहना जानते हो, खुद के तरफ अट्रैक्शन बनाना जानते हो, खुद एक मैग्नेट हो और मैग्नेटिक अट्रैक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी आप अच्छे से जानते हो। तो ये चीज़ें जो है, ये क्वालिटी जो है आपकी, उन्हें बहुत पसंद आती है क्योंकि आप एक मैग्नेट के जैसा उनके लाइफ में काम भी करते हो, यानी आप में एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन है जिसे वो पुल फील करते हैं आपकी तरफ, यानी आपसे अगर वो दूर भी हैं या फिर कहीं भी हो लेकिन वो अट्रैक्शन कभी नहीं जाता है। और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छे से यूज़ करते हैं क्योंकि आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद की वर्थ को समझते हैं, खुद की वैल्यू समझते हैं, खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट रखते हैं। आपको जो चीज़ें सर्व नहीं करती है, या माइंड से या फिर बॉडी से या फिर सोल से जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, आप उन्हें लेट गो करना अच्छे से जानते हैं। यानी कि लाइफ में हर एक चीज़ को, सिचुएशन को आप होल्ड करके नहीं रखते हैं, चाहे सिचुएशन कैसा भी आपके लाइफ में हो, होल्ड करके नहीं रखते हैं, उसे लेट गो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस है आप में, जिसके वजह से ये क्वालिटी है आपकी जो वो बहुत पसंद करते हैं कि आप होल्ड करके हर एक बात को नहीं रखते, हर एक सिचुएशन को नहीं रखते, किसी भी पर्सन को भी आप होल्ड करके इतना टाइटली नहीं रखते हैं, लेट गो करते हैं। एंड जैसी भी सिचुएशन है या जैसा भी इंसान आपके सामने है उसे आप एक्सेप्ट करते हैं फ्री वे में, मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या फिर बिना किसी भी उम्मीद के आप उन्हें एक्सेप्ट करना जानते हैं एंड इजी वे में करते भी हैं। और ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है। लाइफ में आप हमेशा ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपने आप को बदलते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सोसाइटी एंड घर या फिर किसी भी जगह पे आप हैं तो आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आप में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप खुद तो बदलते ही हैं, लोगों के लाइफ को भी बदल देते हैं, एक पॉजिटिव वे में बदलते हैं। यानी कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस तो लाते ही हैं एंड सिचुएशन के हिसाब से आप ढलते हैं। जिस तरीके से पानी होता है, आप जिस कटोरे में भी या जिस बर्तन में भी या जिस जगह से उसे ये करो, वो उसका शेप ले लेता है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से ढलना जानते हैं, बदलना जानते हैं एंड रास्ते निकालना जानते हैं। चैलेंजेस कितने भी हो आपके लाइफ में, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनसे अपना रास्ता निकाल लेते हैं, विल पावर से उसे डील करते हैं एंड सिचुएशन का सॉल्यूशन, यानी कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, कितने भी चैलेंजेस हो, आप उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, आप उसमें भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। जिस तरीके से पानी को या नदी को रोका नहीं जा सकता है, कितने भी पहाड़ हो, कितने भी उसके रास्ते में बाधाएं हो, लेकिन वो फिर भी अपना रास्ता निकालना जानता है, वैसे ही आप हो। कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी सिचुएशन आपके हाथ से बाहर हो, लोगों के हाथ से बाहर हो, यानी कि लोग उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप में है वो कैपेबिलिटी कि आप डील भी कर सकते हो अच्छे से एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप में विल पावर बहुत स्ट्रांग है एंड आप बहुत इमोशनल भी हो, सेंसिटिव भी हो और इंट्यूटिव भी हो, एंड ख़ास तौर से अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं और इंटेलेक्चुअल पावर भी आप में बहुत स्ट्रांग है, जिससे आप लाइफ में सही डिसीजन लेते हैं। और यही वजह है कि आप ढलना भी जानते हैं, आप सिचुएशन नहीं, आप में एक एक्सेप्टेंस है, एक एक्सेप्टेंस है सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का, लोगों को एक्सेप्ट करने का एक्सेप्टेंस है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि हाँ अभी ये सिचुएशन है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसे लोग हैं इनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ का साउंड बहुत निगेटिव आता है। आप एक्सेप्ट करते हो, जिस तरीके से धरती किसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है, किसी भी सीड्स को एक्सेप्ट करती है एंड उसे फ्रूटफुल करती है, उसे नर्चर करती है, जिस टाइप से नदी भी करती है, नदी भी जो है, रिवर भी है, अपने
हर एक को नर्चर करती हुई आगे बढ़ती है। तो आप में भी वो क्वालिटी है गो विथ फ्लो चलने की, यानी आप सिचुएशन के साथ साथ लोगों को भी अपनी प्योर एनर्जी देते हैं, नर्चर करते हैं, उन्हें हील करते हैं एंड एक्सेप्टेंस के साथ गो विथ फ्लो चलते हैं। तो बहुत माइंड ब्लोइंग है क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं। हमेशा लाइफ में जहां आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं, गोल ओरिएंटेड हैं एंड गोल अचीवर हैं। लाइफ में जो भी गोल चाहते हैं आप उसे अचीव करते हैं। आप में चाइल्डिश नेचर है, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, फिर भी लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप इतने चाइल्डिश हैं, इतने इनोसेंट हैं, इतने प्योर हैं, लेकिन फिर भी आपके जो गोल्स हैं बड़े बड़े गोल्स हो सकते हैं एंड आप उसे इजी वे में अचीव भी करते हैं। लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आप लाइफ को कितने सिंपली वे में, इजी वे में आगे लेके मतलब उसके फ्लो में आगे बढ़ते हो। कभी भी रेजिस्ट नहीं है, कभी भी रेजिलियंस नहीं है। आप लोगों के लिए हमेशा स्टैंड लेना जानते हो, यानी कि लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हो। जो आपके दिल के करीब है, जो आपके फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या फिर आपके पर्सन ही क्यों ना हो, आप हमेशा हर एक सिचुएशन में उनका साथ निभाना नहीं भूलते, हमेशा उनका साथ देते हैं, हमेशा उनके लिए स्टैंड लेते हैं। और यहाँ भी एक्सेप्टेंस है तो आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनकी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए उनका स्टैंड लेते हैं। तो क्योंकि आपका ओवरऑल एनर्जी अगर चेक किया जाए तो यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल है। आपका नेचर ही बहुत गिविंग नेचर है, जिस तरीके से ये धरती हमेशा देना जानती है, लेती कुछ नहीं है। पेड़ फ्रूट्स भी हैं तो आप जो है पत्थर मारते हैं तब वो नीचे, यानी पत्थर भी वो एक्सेप्ट करते हैं और वो उसके बदले आपको फल देते हैं। यानी आप अभी समर का टाइम है तो आम पेड़ों में लगे हुए हैं तो उसको भी लोग पत्थर मारते हैं, छाया तो देते ही हैं हमें। गर्मी के टाइम पे हमें बहुत कुछ, यानी ऑक्सीजन देते हैं, हर एक चीज़ देते हैं पेड़ पौधे, और ये धरती भी देती है। उसके बदले अगर हम उन्हें पत्थर मार के वो फल को तोड़ते हैं तो भी वो हमें मीठा फल प्रोवाइड करती है। तो सिचुएशन कितनी भी, यानी लोग कैसे भी हो आपके सामने, सिचुएशन कैसे भी हो आपके सामने, आप देना जानते हैं, आप हमेशा देना जानते हैं। आपका गिविंग नेचर है, चैरिटेबल नेचर है, जिसके वजह से लोग आपको लोग आपके को डिसएडवांटेज भी लेते होंगे क्योंकि आपका नेचर ही गिविंग नेचर है। आपके पास आपका नेचर बहुत लविंग केयरिंग है। लोग आपसे खासतौर से सोल लेवल से कनेक्टेड हो जाते हैं, खासतौर से आपके पर्सन भी सोल लेवल से आपसे कनेक्टेड हैं और वो मानते हैं कि आप उनसे स्पिरिचुअल लेवल पे उनसे कनेक्टेड हैं, मेंटल लेवल पे कनेक्टेड हैं एंड इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्टेड भी हैं, फुलफिल भी उन्हें फील कराते हैं एंड इंटीमेसी लेवल पर भी आप उन्हें फुलफिल फील कराते हैं। तो बहुत वो आपसे कनेक्टेड हैं और वो अपने आप को बहुत किस्मत लकी पर्सन मानते हैं, लकीएस्ट बोल सकते हैं कि लकीएस्ट मानते हैं इस प्लैनेट पे कि आपने उन्हें एक पार्टनर के रूप में चूज़ किया, आपने एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में उन्हें चुना, आपने उन्हें एक मैरिज के प्रपोजल के लिए उन्हें चुना कि वही आपका साथी बनेगा और वही आपके हम सफ़र, यानी कि इस जीवन के सफ़र में आपने उन्हें चूज़ किया। इसके लिए वो अपने आप को लकीएस्ट मानते हैं क्योंकि यहाँ फोर ऑफ वैंस एंड लवर्स है। तो ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो आपका कनेक्शन बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है, वो फील करते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है, कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, डीपेस्ट कनेक्शन है और वो एक सोल लेवल का कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें डिवाइन के तरफ से उन्हें डिस्टाइन के रूप में मिले हो, यानी कि आप उनके डिस्टाइन पार्टनर हो। आपका स्वभाव बहुत चाइल्डिश हो सकता है, आप हमेशा जो है कुछ भी आपकी जो छोटी छोटी नादानियां होती हैं या फिर आपका किसी भी
गलती पर सॉरी बोलना, यानी किसी भी मिस्टेक पर, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, आप पहले आके उन्हें सॉरी कहते हैं, यानी कि पहले आपका ये कहना है कि आई एम सॉरी या मुझसे गलती हो गई, या फिर हमेशा प्रपोज़ल जो है आपकी तरफ से आता है, जबकि आप मतलब वो सोचते हैं कि आपका नेचर इतना गिविंग है, थोड़ा भी ज़िद नहीं है आप में, एक लोगों में ज़िद होना चाहिए लोगों में, लेकिन आपका केयरिंग नेचर की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की वजह से आप हमेशा जो है हम आगे रहते हैं, हर एक काम में आगे रहते हैं, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आगे रहते हैं, अगर गलती हुई है या नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप सॉरी कहने में आगे रहते हैं, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को उनको देने के लिए, प्रपोज़ल उन्हें देने के लिए हमेशा आप आगे रहना पसंद करते हैं, तो क्योंकि आप इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल हैं, आपको वो बहुत इमोशनल मानते हैं, बहुत चाइल्डिस्ट मानते हैं, लेकिन गोल के मामले में नहीं, प्रोफेशनल मामले में नहीं, प्रोफेशनल मामले में तो आप बहुत जिद्दी हैं, बहुत विल पावर है, सिचुएशन कैसी भी आ जाए आपके पास आप उन्हें अच्छे से डील कर करते हैं। ये आपके वर्किंग प्लेस के भी पार्टनर हो सकते हैं, तो आपका लोगों के साथ कोलैबोरेट करके चलना, यानी कि लोगों के साथ ग्रुप में चलना, या ग्रुप को संभालना, या ऑर्गेनाइज करना, या मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आता है, एंड लोगों को गाइडेंस देना भी आपको बहुत अच्छे से आता है, यानी लोगों को आप अच्छे से, आप में लीडरशिप क्वालिटी है जिसे वो पसंद करते हैं, आप में एक बैलेंस एनर्जी है, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, एंड लोगों की एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप में एक हीलर की क्वालिटी, आप लोगों को नेचुरल वे में हील करते हैं, उनकी ऑरा को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, एंड आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत इनलाइट पर्सन हैं, और आपका सोल जो है ओल्ड सोल हो सकता है, यानी कि लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने पास्ट लाइफ में भी देखे हैं एंड इस लाइफ में भी देखे हैं, जिसके वजह से आपको सिचुएशन के बारे में अप एंड डाउन दोनों चीज़ें पता होती है, इसी के वजह से आप डिसीज़न लेने में अच्छे डिसीज़न मेकर अपने लाइफ में हो सकते हैं। तो मैं कुछ चाम से देख लेती हूँ एंड इस रीडिंग को एंड करूँगी कि वो आपने सबसे ज़्यादा क्या पसंद। तो आप लाइफ में रिस्क टेकर हो सकते हैं, ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है, आप बहुत साइकिक हो सकते हैं, उनकी दिल की बातों को बिना कहे समझ लेते हैं, ये चीज़ें पसंद आती हैं। आपका सिंगिंग स्टाइल बहुत अच्छा होगा, सिंगिंग मतलब आप अच्छा गाती होंगी या गाते होंगे, वो पसंद है। आप में स्पिरिचुअलिटी है, उन्हें पसंद आता है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये उन्हें बहुत पसंद आता है, और हो सकता है कि जिस सीज़न में आप मिले हों, जिस जगह आप मिले हों, वो विंटर सीज़न हो या विंटर सीज़न का टाइम हो, उस समय आप इनसे मिले हो, आपके साथ मेमोरीज़, यानी कि आपकी जो मेमोरीज़ क्रिएट करने का जो आपका जो शौक़ है, या फिर आपका जो पसंद है कि हर एक मोमेंट में मेमोरीज़ क्रिएट करना, और वो भी स्वीट स्वीट मेमोरीज़ क्रिएट करना, चाहे वो वीडियोग्राफी हो या फोटोग्राफी हो या फिर ऐसे ही लाइफ को इंजॉय करना, आपको अच्छे से आता है, एंड लाइफ को सेलिब्रेट करना अच्छे से आता है, स्वीट स्वीट मेमोरीज को स्टोर करना भी, सेव करना भी आपको अच्छे से आता है, तो ये क्वालिटी उन्हें बहुत पसंद आती है। और आपके पर्सन आप बहुत ग्राउंडेड हो सकते हैं, ये चीज़ें उन्हें पसंद आते हैं, आप बहुत इनलाइट हो सकते हैं, ये भी उन्हें पसंद आता है, एंड आप बहुत रियलिस्टिक हो सकते हैं, ये भी उन्हें पसंद आता है। तो आप बहुत रियलिस्टिक हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, एंड इनलाइटमेंट सोल है, यानी कि इनलाइट सोल हैं आप, तो ये चीज़ें उन्हें बहुत, आप में ये क्वालिटी है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।